वेलकम टू रहमान केमिस्ट्री एकेडमी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जीओसी पे ज़्यादा बात कर रहे हैं और जीएसओ पी हमारा मेन फोकस है इस बार। हम लोग चाहते हैं बेसिक जीओसी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ, खासकर ये रेजोनेंस का सेकंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था, होपफुली आपको वो समझ में आया होगा। अब सेकंड पार्ट में हम आएंगे, एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं किसी कंपाउंड के। आखिर उस स्ट्रक्चर को हम कैसे विजुलाइज, कैसे दिखा सकते हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा, हम उसके बारे में जानेंगे। रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके रूल्स के लिए कुछ सीक्वेंस आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप सीक्वेंस लर्न कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा और आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे ज़्यादा पहला स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जो चार्जलेस होता है। इसमें कोई चार्ज नहीं होता, इसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं, दैट इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। सेकंड पॉइंट ये देखना है हमें सेकंड पार्ट में, जो चार्ज स्ट्रक्चर है जिसमें अंदर मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हो, मोर बी एलिमेंट हैविंग कंप्लीट डिस्कॉक्टेड कंप्लीट हो, चार्जेस इसमें सबसे ज़्यादा उसमें बॉन्ड पाए जाएंगे, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। थर्ड पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे, अगर चार्ज स्ट्रक्चर है और नंबर ऑफ बॉन्ड अगर सेम है और स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा, जो मोर नेगेटिव एटम है, अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है, उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, वैसे कंडीशन में उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा मानी जाएगी। ये थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट कहा जाता है कि अगर ऊपर वाले तीन कंडीशन अगर ये फुलफिल नहीं कर पाते हैं वैसे कंडीशन में, तो अगर मान लीजिए ये खासकर दिखाता है कि अगर मोर देन वन स्ट्रक्चर अगर है तो आप ऊपर वाले तीनों कंडीशन अप्लाई करेंगे। सिर्फ दो स्ट्रक्चर अगर फॉलो करते हैं तो वहाँ पे हमें ये देखना पड़ता है कि अपोजिट चार्जेस कितनी दूरी पे हैं, कितना करीब हैं। जितना करीब होंगे उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, वैसे कंडीशन में उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ नीचे यहाँ पर एग्जाम्पल, आप जैसे कि आपको मैंने बताया था यहाँ पर कि आप एग्जाम्पल अगर चेक करें, यहाँ पर देखिए सिर्फ दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, दो स्ट्रक्चर के बीच में कंपैरिजन पूछा गया। इसमें आप रूल नंबर सिर्फ और सिर्फ फोर्थ अप्लाई करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें वैलिड नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए चार्जेस प्लस माइनस यहाँ काफ़ी करीब है, प्लस माइनस काफ़ी दूर है, तो फोर्थ पॉइंट ये कहता है रूल का कि अगर चार्जेस काफ़ी करीब होंगे वैसे केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ज़्यादा होगा और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला जो आपका कंपाउंड है ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला कंपाउंड स्टेबल होगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए हैं जहाँ पे चारों रूल भी अप्लाई हो सकते हैं। फिर दो कंडीशन है, फिर हमें ख्याल रखना है, देखें यहाँ पे कि यहाँ पे रूल नंबर 1, 2, 3, 4 चारों रूल ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। पहला कंडीशन बताया था कि अगर कोई चार्ज नहीं तो चार्ज तो इसमें है। सेकंड कंडीशन बताया कि जहाँ पे बॉन्ड ज़्यादा, नंबर ऑफ बॉन्ड, तो यहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड देखिए 3 प्रेजेंट है, यहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड सिर्फ 2 प्रेजेंट है। तो ऐसे कंडीशन में सेकंड रूल के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ये पार्ट जो है सेकंड प्रोडक्ट पार्ट जो दिख रहा है आपको, वन पार्ट और टू पार्ट में कंपेयर करेंगे, जहाँ पे 3 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर गौर कीजिए, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे देखेंगे तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बॉन्ड तो सेम है, बट यहाँ चार्ज पे गौर करना पड़ेगा। चार्ज की अगर हम गौर करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज प्लस प्रेजेंट है आपके पास, या ऑक्सीजन पे चार्ज कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये गौर करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हमेशा नेगेटिव चार्ज अगर होता है तो वैसे केस में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे स्टेबिलिटी कम हो रही है बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज प्रेजेंट है, तो पहला वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। थर्ड पॉइंट को देखें, यहाँ पे CH2- है, यहाँ पे OP- प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात यहाँ पे देखिए कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है ज़्यादा जितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बॉन्ड भी देखें 2-2 प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर अगर आपका नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वैसे कंडीशन में हमेशा हम इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मानेंगे और ये वाला जो ग्रुप आपका है ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन। अब यहाँ देखिए चार डिफरेंट ग्रुप हमने लिया है, यहाँ पे CH3O हमारे पास है, CH डबल बॉन्ड CH2। अब स्ट्रक्चर चारों गौर से देखिए, प्लस माइनस, फिर ऑक्सीजन पे प्लस है, फिर कार्बन पे माइनस है, फिर यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे माइनस और ये प्लस है। सबसे पहला रीज़न देख लीजिए, फर्स्ट रूल कहता है अगर कोई चार्ज नहीं है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो फर्स्ट नंबर हमेशा टॉप पे आएगा, तो फर्स्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। उसके बाद देखिए यहाँ पे कार्बन पे प्लस और कार्बन पे माइनस प्रेजेंट है, बट यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, इसमें देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी कोई बॉन्ड नहीं, तो डबल बॉन्ड जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा होंगे डबल बॉन्ड उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, तो नंबर 3 आपका सेकंड पोजीशन पे आएगा। अब बचा हमारे पास सेकंड और थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे चार्ज का रोल देखिए, यहाँ पे कार्बन पे प्लस है और कार्बन पे माइनस, CH2- प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन पे माइनस है और CH2 पे प्लस प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में देखिए यहाँ पे रेजोनेटिंग की गुंजाइश हो सकती है, जिसकी वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि सेकंड वन इज़ मोर स्टेबल। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके डबल बॉन्ड बना सकते हैं, यहाँ पे दोनों का ऑक्टेट पूरा है, यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने के बाद सारे के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, कार्बन के भी और ऑक्सीजन के भी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा मानी जाएगी सेकंड। फिर आखिरी में आपका थर्ड आएगा। अनदर एग्जाम्पल, फिर वही चारों रूल जहन में आपको रखना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4 चारों स्ट्रक्चर को गौर से देखिए आप। अगर थोड़ा सा आप अगर इसमें पीछे की तरफ आएँ तो अगर याद करें तो मैंने ये टॉपिक शुरू इसलिए किया था कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने ये एग्जांपल दिया था कि हमारे पास ये देखिए मिथेनोइक स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। सबसे पहला रूल कहता है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है हम वहाँ पर उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा नंबर मानेंगे, तो नंबर 1 पर ही आएगा।
सेकंड पे देखिए यहाँ पे ओ एच प्रेजेंट है, यहाँ पे ओ पे नेगेटिव है, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है। थर्ड में क्या, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हमेशा कहा था कि जहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होंगे उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, इसलिए हम यहाँ पे थर्ड पोजीशन को रखेंगे, थर्ड पोजीशन सेकंड नंबर पे आएगा। अब बचा सेकंड और फोर्थ स्ट्रक्चर में, अगर आप गौर करें तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे माइनस ऑक्सीजन पे प्लस। तो कहता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, थर्ड रूल कहता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे अगर आपके पास निगेटिव चार्ज हो और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जैसे कार्बन उससे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वैसे केस में इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए सेकंड नंबर का थर्ड पॉइंट पे आएगा, फोर्थ में आखिरी में इसकी बात आएगी। इसलिए मैंने बताया कि लास्ट वीडियो मैंने ये बात कही थी कि ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, अगर ये चार रूल हमेशा आप जहन में रखेंगे तो आसानी से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए इस स्ट्रक्चर पे गौर कीजिए, यहाँ प्लस है या माइनस प्रेजेंट है, फिर यहाँ प्लस है या माइनस, एक स्ट्रक्चर को ज़रा गौर से देखिए, माइनस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर प्लस चार्ज, फिर ऑक्सीजन, फिर यहाँ डबल बॉन्ड। सबसे पहले देखिए कि इसके पास चार्ज नहीं है, तो आपको दिख रहा होगा थर्ड वाला ऐसा कंपाउंड है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी यहाँ पे, सॉरी इसके सिक्स सेलेक्ट स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, 1 2 3 4 और ये रहा 5 और ये रहा 6, तो आप सिक्स स्ट्रक्चर को गौर से देखते जाइए आप, 1 2 3 4 5 6 आराम से देखते जाएगा इसको, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। तो नंबर वन पे तो 3 आएगा, अब ये तो खत्म हो गया सबसे ज़्यादा स्टेबल बिकॉज पे कोई चार्ज नहीं है। सेकंड कंडीशन में देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं ऑक्सीजन, या माइनस है, यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा है, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो नेक्स्ट प्रायोरिटी हमारी फोर्थ को मिलेगी, थर्ड के बाद फोर्थ पे आ गया। अब सिक्स में भी देखिए डबल बॉन्ड है और यहाँ पे देखिए फोर में भी डबल बॉन्ड है, बट हम फोर और सिक्स में से हम फोर को ही क्यों ले रहे हैं, ये भी क्वेश्चन मार्क है। देखिए बिकॉज सिक्स में अगर आप आएंगे तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उस पर प्लस चार्ज प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड दो बार इसमें है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें प्लस पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज का आना ये ज़्यादा स्टेबल नहीं माना जाता, इससे अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है कि हम इसे यहाँ पे फोर्थ को लेंगे ना कि हम सिक्स को लेंगे। उसके बाद सिक्स को क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब रहा सवाल देखिए पाँचवें को देखिए, और फिर आप देखिए हमारे पास टू बच गया है, हमारे पास वन बच गया है। पाँचवें में अगर देखें आप तो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव प्रेजेंट है, तो पाँचवें में क्या है कि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है ऑक्सीजन से, यहाँ डबल बॉन्ड बना सकता है, बाकी और सब में देखिए चांसेस नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर यहाँ डबल बॉन्ड, बट ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ पे कार्बन प्लस चार्ज है, तो नेक्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे यहाँ पे हमेशा फाइव नंबर को देंगे। उसके बाद नंबर वन पे आएंगे, देखिए नंबर टू हमारे पास, नंबर वन की बात यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड बन सकता है और यहाँ प्लस माइनस चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ प्लस चार्ज प्रेजेंट, यहाँ पे रेजोनेटिंग से डबल बॉन्ड बन पाएगा, यहाँ माइनस प्लस में कार्बन कार्बन डबल, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा, तो इसकी स्टेप। दूसरी बात यहाँ प्लस चार्ज माइनस चार्ज पे बेसिकली फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो वन हमारा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस में या नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, सिर्फ एक रेजोनेंस बन सकता है या ऑक्सीजन कार्बन का, इसमें रेजोनेटिंग नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें वन लेंगे, फिर हम अगेन टू लेंगे। मतलब इन चारों रूल को अगर आप जहन में रखेंगे तो आप इस सब चीज़ की तरह से देखिए यहाँ पर बनाया गया है कहाँ पर कौन सा रूल हमने अप्लाई किया, फर्स्ट रूल, थर्ड रूल, फोर्थ रूल या सेकेंड रूल, कौन सा रूल अप्लाई करके हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमें बताना है, केटायंस की स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू हम रेजोनेंस के साथ साथ, याद रखिएगा जहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता है वहाँ पे हम इंडक्टिव इफेक्ट का सहारा लेते हैं, प्लस आई इफेक्ट जो पहले बताया। तो अगर जब भी कोई एग्जाम कंपाउंड आपको सामने नजर आता है अगर उसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है तभी आप जाएंगे इंडक्टिव की तरफ, अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो पहले रेजोनेंस करेंगे उसके बाद इंडक्टिव की तरफ जाएंगे। तो अब अगला जो एग्जाम्पल आएगा वो बेसिकली इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों का कंबाइंड फॉर्म आपके पास आने लगेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ NH2, जैसा कि आप देख रहे हैं देयर इज NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट, तो हम यहाँ पे देखिए NH2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास NH2 में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ये लाइन नहीं है इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्लस चार्ज आप देख रहे हैं, ये कभी भी ये कैसा ग्रुप होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, ऊपर से क्या है प्लस चार्ज प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी अनस्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ये पढ़ा भी था आपने कार्बोकैटायन में अगर माइनस आई इफेक्ट होता है तो वैसे केस में स्टेबिलिटी घटती है प्लस चार्ज की। ये भी देखिए आपको प्लस चार्ज प्रेजेंट है और यहाँ पे CH3 CH2 प्लस चार्ज प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात यहाँ प्लस आई इफेक्ट अप्लाई होगा, प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, सबसे ज़्यादा स्टेबल थर्ड नंबर पे। नंबर टू पे अगर आप आएंगे, यहाँ पे नंबर वन पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए NO2 और NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो NO2 यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया उन्होंने, देखिए NO2 और NH2 अगर ये प्लस चार्ज प्रेजेंट है तो NO2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो नंबर का ऑर्डर यहाँ पे होगा आपके पास 3 सबसे ज़्यादा होगा आपके पास, उसके बाद नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कह रहा है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा 3 होगा, उसके बाद सबसे
हाँ सही है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास NO2 है और NH2 प्रेजेंट है। NO2 की विड्रॉइंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबली, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, प्लस चार्ज और ज़्यादा इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू NH2, इसलिए यहाँ पे NO2 को मौका मिलेगा। NO2 को सबसे ज़्यादा लीस स्टेबिलिटी होगी, NH2 उसके बाद ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पे 3, फिर लिखा 1, फिर लिखा 2। सॉरी, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बैठ, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हमारे पास NH2CH2+ प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पे तो रेजोनेंस की बात हम नहीं कर पा रहे हैं, तो देखते हैं पॉसिबिलिटी है कि नहीं। हम जानते हैं कि NH2 में अगर हम देखें, यहाँ पे एक चीज़ देखें कि रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल, तो उसको हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। देखिए NH2 के पास, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कंजुगेशन हो सकते हैं। तो पहला केस, पहला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। NO2 में रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन अगर खींचता ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं इसको कहीं से, तो अल्टीमेटली ये रेजोनेटिंग नहीं, बल्कि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो जब भी आप कंपाउंड को देखें तो आप रेजोनेंस प्लस आई इफेक्ट दोनों की बात करनी, और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होगा। तो अगर हम यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करें, तो मैंने पहले बता दिया हम प्लस आर और माइनस आर को हमेशा ग्रेटर मानते हैं, यहाँ देखिएगा, उसके बाद हम प्लस माइनस आई की बात करते हैं। तो पहले वाले कंपाउंड में अगर आप देखें तो प्लस आर और प्लस आई माइनस आर इफेक्ट हो रहा है, या प्लस आर इफेक्ट हो रहा है, या माइनस आर प्लस आर प्लस आर इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो रही है यहाँ पे, तो अल्टीमेटली इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो नंबर 1 पे दिया। नंबर 3 पे हम प्लस आई पे, माइनस आई जानते हैं डिक्रीज करता है कार्बो टेन का, इसलिए 1, 3, 2 का ऑर्डर यहाँ प्रेजेंट होगा। इस तरह से हम और भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर की तरह जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे, ताकि आप हर एक आस्पेक्ट को देख के समझ सकें क्या हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए अगर इस पे आप गौर करें तो पहला ही केस अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो आप पाएंगे कि ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है और यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड बन सकता है, यहाँ प्लस चार्ज प्रेजेंट है, सी डबल बॉन्ड हो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसा कि हम जानते हैं सी डबल बॉन्ड हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, और ये प्लस आई इफेक्ट देखिए, सेकेंड 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना रहा है, दो साइड से यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। तो अब जो कम्बिनेशन दोनों का प्रेजेंट है, हम दोनों की बात करेंगे। तो पहला स्टेप देखिए, पहला ही क्लियर हो गया कि रेजोनेंस करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, तो जाहिर सी बात फर्स्ट इज मोर स्टेबल। सेकेंड में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, EWG ग्रुप है, मतलब ये आपको देखें तो ये माइनस आई इफेक्ट भी कर रहा है। माइनस आई इफेक्ट हमेशा कैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन प्लस चार्ज प्रेजेंट है, CO ग्रुप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से आपका सेकेंड वाला सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। सेकेंड नंबर पे थर्ड वाला है, बिकॉज यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो प्लस चार्ज को जब इलेक्ट्रिव डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बढ़ेगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये ऑलरेडी मैंने इंटरमीडिएट में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन वगैरह में बता चुका हूँ, प्लस आई इफेक्ट के बाद अगर सेकंड वीडियो में अगर आप देखें वहाँ सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो हमेशा हम पहले रेजोनेंस को प्रायोरिटी देंगे, फिर प्लस आई इफेक्ट को प्रायोरिटी देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखिए CH2+O CH2CH3 पहला, CH3OCH+CH3 ठीक है दूसरा, CH3OCH, अब देखिए प्लस चार्ज बहुत दूर चला गया। जाहिर सी बात अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें यहाँ पे, तो इस केस पे यहाँ से यहाँ देखिए, एक तो इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड बना सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी दे सकता है, पार्शियल डबल बॉन्ड बना सकता है, बड़ा ख़तरनाक हो गया भाई। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब ये देगा, इस प्लस चार्ज को कोई सपोर्टिंग ग्रुप नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा पार्शियल डबल बॉन्ड, और यहाँ से देखिए प्लस आई इफेक्ट भी आ रहा है, मतलब प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे हम इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस दोनों की बात कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें तो प्लस चार्ज को सेटिस्फाइड किया, इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई ग्रुप नहीं है, सिर्फ ही पार्शियल डबल बॉन्ड बनाएगा और अपने ये इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज प्रेजेंट करेगा। तो ऑक्सीजन हम जानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा सेकंड नंबर, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट यहाँ से सपोर्ट कर रहा है इसको, प्लस इधर से रेजोनेंस भी सपोर्ट, रेजोनेंस प्लस प्लस आई दोनों इसमें कंसीडर होगा। इस केस में खाली और खाली हम बात करेंगे तो इसमें रेजोनेंस तो हो रहा है, बट साथ में यहाँ माइनस आई इफेक्ट का रोल प्ले करेगा ऑक्सीजन, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी इसके रिस्पेक्ट में, सेकंड को नंबर 1 पे, लेकिन रेजोनेंस हो रहा है इसलिए नंबर 2 पे हम रखेंगे इसको। इसमें देखिए कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ हम कह दे रहे प्लस चार्ज है, उस पर से माइनस आई इफेक्ट वर्क कर रहा है। जाहिर सी बात है कोई रेजोनेंस इसमें पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके एडजेसेंट कार्बन पे प्लस चार्ज, या यहाँ पे ऑर्बिटल खाली होना चाहिए तभी हम उसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो एक ये प्रॉब्लम यहाँ पे रहेगी। इसलिए ऑर्डर इसका आप देख सकते हैं 2, 1, 3 ऑर्डर होगा। थर्ड में हम सिर्फ प्लस माइनस आई इफेक्ट के हिसाब से बात कर सकते हैं, माइनस आई इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, बट जहाँ रेजोनेंस होगा वहाँ हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, इसका आपको हमेशा ख्याल रखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें याद रखना पड़ेगा वही 4 रूल, अगर रूल आपने याद कर लिया तो आपको कभी भी रेजोनेंस में, स्ट्रक्चर में, डिफरेंशिएट में, स्टेबिलिटी में आपको दिक्कत नहीं आएगी।
यहाँ कुछ पॉइंट है, जिस अटैच विद एलिमेंट पॉजिटिवली चार्ज कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंटेंस लिस्ट नोन पेयर होना चाहिए जब भी अटैच होगा, तो मोस्ट स्टेबल कार्बन के टाइन ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से हो सकता है, क्योंकि मैं बता रहा कि इलेक्ट्रॉन जा दे सकता है जिस ऑक्सीजन से अटैच प्रेजेंट था। अब यहाँ पे एक कंपाउंड साइक्लिक ईथर कह सकते हैं इसको हम, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन से अटैच प्लस चार्ज है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा, जो यहाँ पे दिखाया नहीं गया, दिखाना चाहिए था, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ऑक्सीजन के पास यहाँ दो लोन पेयर होगा। अब एडजेसेंट कार्बन पे ऑर्बिटल खाली है प्लस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब साहब ये दूर हो गए, ये साहब और दूर हो गए, अब यहाँ और दूर होगा तो बेनिफिट क्या मिला दिखाता हूँ आपको। ये दो साइड से जो कार्बन अटैच्ड इस प्लस चार्ज साथ वो प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा करेगा, ये बात हम कह सकते हैं। फर्स्ट में कंजुगेशन मतलब डबल बॉन्ड, सेकंड में क्या हो रहा है कि प्लस आई इफेक्ट इधर हो रहा है, बट यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन ये भी दे रहा है, बट साथ में क्या ऑक्सीजन करीब होने की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर भी ऑक्सीजन का होगा, इसलिए नंबर वन पे प्रायोरिटी हमेशा कंजुगेशन को मतलब डबल बॉन्ड को मिलेगा। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे डबल बॉन्ड बन सकते हैं, कंजुगेशन हो सकता है, तो रेजोनेंस की वजह से हम वन को प्रायोरिटी देंगे। फिर थर्ड में क्योंकि प्लस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट सेकेंडरी बन गया यहाँ पे, और ऑक्सीजन से दूर होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन को पंप ज़्यादा कर पाएगा प्लस चार्ज के पास, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो 1-3-2 इसका ऑर्डर होगा। नेक्स्ट टॉपिक में अगर आप आएँ तो आप पाएंगे 11 नंबर जो क्वेश्चन लिया है मैंने इसमें, देखिए, या मैं सोचता हूँ कि अब आप इसको सोचें और समझें, ऐसा भी हो सकता है। चलिए मैं एक बार बता देता हूँ फिर भी आपको कि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है प्लस चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे देखिए क्या पॉसिबिलिटी है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, थर्ड में देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। जाहिर सी बात जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो डबल बॉन्ड क्या कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ऐसे केस में मामला जो है पलट जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि रेजोनेंस की बात हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब भी देगा तो ऑक्सीजन को देगा पाई बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हमेशा यहाँ हो सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड तोड़ के यहाँ कार्बन के पास आना पॉसिबिलिटी नहीं है, वरना फिर ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कार्बन दूर है, कार्बन दूर है, तो ऐसे केस में याद रखिएगा हमेशा हम कोई रेजोनेंस की बात नहीं कर सकते डबल बॉन्डों के साथ, यहाँ पर कार्बन प्लस के साथ, कार्बन प्लस के साथ जो एटम डायरेक्टली अटैच होता है उसके पास लोन पेयर होना बहुत ज़रूरी है, अगर वहाँ लोन पेयर होता तो हम रेजोनेंस की बात करते, या कार्बन प्लस है फिर एक कार्बन एटम उससे डबल बॉन्ड हो है, इसलिए यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल दोनों में, तीनों में नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम प्लस आई इफेक्ट की बात करेंगे, देखिए ये माइनस आई इफेक्ट करेगा, एक साइड से प्लस आई इफेक्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए देखिए तो हम ये कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा, बट ये कार्बन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा देखिए पॉजिटिव चार्ज करीब हो गया ओ से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे देखेंगे दोनों का बैलेंस साइड, तो दोनों साइड से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर अमाउंट में मिलेगी, और ऑक्सीजन दूर होने से क्या होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी सीओ की कम हो जाएगी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी स्टेबिलिटी, यहाँ सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से बात कर सकते हैं, रेजोनेंस से नहीं कर सकते, थर्ड इज मोर स्टेबल देन सेकंड, सेकंड इज मोर देन वन। इस तरह से आपको रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कार्बन प्लस चार्ज प्रेजेंट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखें इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो क्या होगा, देखिए इसके बारे में हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए कार्बन पे ऑलरेडी पहले से प्लस चार्ज प्रेजेंट है, तो मैंने बताया था कि प्लस चार्ज के साथ जो एटम अटैच जाएगा उसमें लोन पेयर होता है, ये साहब रेजोनेंस कर सकते हैं। यहाँ प्लस चार्ज देखिए टर्शियरी के साथ प्रेजेंट है, और यहाँ पे कोई प्लस चार्ज नहीं प्रेजेंट है, तो देयर इज नो रेजोनेंस, कभी नहीं हो सकता। इसमें भी प्रॉब्लम क्या है, कार्बन के बाद है तो रेजोनेंस नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात आप ये तीन हो गए आपके पास, ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए हमेशा देखिए पहला काम आपका रेजोनेंस चेक करना, फिर हम इंडक्टिव इफेक्ट पे आएंगे। चौथे नंबर पर देखिए ऑक्सीजन फिर करीब है, यहाँ टर्शियरी है, यहाँ पे टर्शरी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देखिए टर्शरी मतलब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट तीन साइड्स होगा, प्लस कंजुगेशन भी हो सकता है, तो रेजोनेंस यहाँ पे डोमिनेट करेगा, तो फोर नंबर को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। फिर आएंगे वन नंबर पे सिर्फ कंजुगेशन हो रहा है, मैं सिर्फ रेजोनेंस की बात करेंगे, तो यहाँ पे रेजोनेंस फर्स्ट में खाली रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, और फोर्थ में क्या हो रेजोनेंस प्लस प्लस आई इफेक्ट दोनों की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फोर्थ नंबर को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, फिर फर्स्ट नंबर पे जाएंगे। फिर सेकंड नंबर पे कोई रेजोनेंस नहीं है, बट यहाँ पे टर्शरी ग्रुप प्रेजेंट है जहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप प्रेजेंट या सेकेंडरी प्रेजेंट है इसलिए प्लस आई इफेक्ट कम होगा, तो हमेशा प्रायोरिटी पहले फोर को आएगा, फिर यहाँ वन क्योंकि रेजोनेंस आएगा, फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास सेकेंड नंबर पे क्योंकि यहाँ पे टर्शियरी कार्बन प्रेजेंटेड थ्री डिग्री अगर होगा तो वहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा, तीन साइड से इलेक्ट्रॉन पंप करेंगे प्लस चार्ज को, और यहाँ पे सिर्फ दो साइड से, इसलिए नंबर आएगा फिर टू का, नंबर थ्री सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। इस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया कि कौन सा रेजोनेंस अकॉर्डिंग है, कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट अकॉर्डिंग है, इसके साथ आप समझ सकते हैं। नंबर थ्री पे फिर वापस आते हैं, देखिए CH2O देखिए डायरेक्टली अटैच, जाहिर से बात रेजोनेंस इसमें हो सकता है, रेजोनेंस इसमें भी हो सकता है, प्लस साथ में देखिए प्लस आई इफेक्ट होगा, रेजोनेंस इसमें भी हो सकता है, बट यहाँ पे खास बात देखिए हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है, ऑक्सीजन बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है,
अच्छा डोनर एटम वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन से बेटर नाइट्रोजन है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन नो डाउट ऑक्सीजन भी डोनेट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन भी डोनेट कर रहे हैं। बट यहाँ पे अगर हम देखें डोनेटिंग टेंडेंसी की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने के बाद डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी डबल, बट यहाँ पे नाइट्रोजन इज नॉट अ वेरी गुड डोनर, ऑक्सीजन इज नॉट अ वेरी गुड डोनर एटम बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई और यहाँ पे आपका प्लस हाई इफेक्ट। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे थर्ड नंबर को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी NH2। आप भी देख भी सकते हैं इसमें कि अगर अगर आपने प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट देखा होगा वो मेसोमेरिक में समझ में आएगा। याद रखिएगा जितना कम डोनर एटम होगा, कितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना बेटर डोनर एटम होता है, इलेक्ट्रॉन देना उसके लिए आसान होता है। जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है, इलेक्ट्रॉन देना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे सही बात है NH2 CH2 को फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे मिली हमें स्टेबिलिटी की बात देखें। उसके बाद लगातार यहाँ पे देखिए सिर्फ एक डबल बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन के साथ सेकंड पोजीशन में देखें आप तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रेजोनेंस के साथ साथ क्या है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अकॉर्डिंग टू पावर अगर देखें हम यहाँ पे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी भी ऑक्सीजन के साथ यहाँ होगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींच भी सकता है इधर से भी और इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ पे क्या है सिर्फ एक साइड को दे सकता है और खींचेगा दोनों, बट यहाँ पे डोनर एटम ज़्यादा अच्छा है इसलिए इसको मानेंगे। सेकंड नंबर पे यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी नहीं, यहाँ पे OH प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन को हम कुछ नहीं मानते, सिर्फ यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी की वजह से ईथर को हम माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा हम इसको कमज़ोर मानते हैं, इसलिए हमें नंबर वन पे 3 उसके बाद 1 आएगा उसके बाद सेकंड नंबर पे, और थर्ड फोर्थ में जानते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हम प्लस आई इफेक्ट दे सकते हैं, उसके हिसाब से हम बात करें तो रेजोनेंस के सामने प्लस आई इफेक्ट की वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है। जैसा कि आप अभी देख रहे थे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने किए हैं अभी पीछे, अब हम इसी तरह से उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए एग्जाम्पल नंबर 14 पे आते हैं जहाँ हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड फ्लोरिन इज प्रेजेंट। अगर फ्लोरीन देखिए यहाँ 1, 2, 3 पोजीशन पे कार्बन कैटायन के पास प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन पे कार्बन कैटायन प्रेजेंट या फर्स्ट पोजीशन पे। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्लोरीन देखिए जहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड होगा, जाहिर सी बात साथ में इसके पास आप जानते हैं कि क्लोरीन फ्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो बॉन्ड में बिजी है, दूसरा इसके पास 3 लोन पेयर होंगे। जहाँ पे कार्बन के पास ये डायरेक्टली अटैच्ड है यहाँ से ये लोन पेयर दे सकता है और पार्शियल डबल बॉन्ड मतलब रेजोनेंस दिखा सकता है। बट यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एटम पे प्रेजेंट है जहाँ रेजोनेंस पॉसिबल नहीं हो सकता, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि हमेशा कहता है कि वैसा एटम डायरेक्टली अगर कार्बोकैटायन से अटैच्ड होगा तभी आप इस काम को कर सकते हैं वरना नहीं हो सकता। यहाँ पे ये कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे डायरेक्टली दे नहीं सकता, तो जाहिर सी बात यहाँ पे हमें इंडक्टिव इफेक्ट का ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एफ्लोरिन काफ़ी दूर चला गया, तो जहाँ पे काफ़ी दूर जाने का मतलब ये थर्ड पोजीशन पे आ गया जिसका रेजोनेंस का कोई रोल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा बिकॉज फ्लोरीन यहाँ पे दूर है। तो ऐसे केस में हम सिर्फ यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट की बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम प्लस ये प्लस आर की बात नहीं कर पाए। तो यहाँ प्लस आर इफेक्ट हो रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट हो रहा है। तो जहाँ माइनस आई इफेक्ट करीब में होगा वहाँ पर जानते हैं अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, जहाँ थोड़ा दूर होता है अनस्टेबिलिटी कम होती है। कार्बोकैटायन में पहले डिस्कशन हो चुका है माइनस आई प्लस आई इफेक्ट का इफेक्ट क्या होता है। तो जाहिर सी बात थर्ड पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट स्टेबिलिटी मिलेगी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, उसके बाद नंबर आएगा नंबर वन को, उसके बाद नंबर टू बिकॉज यहाँ पे फ्लोरीन दूर हो गया, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट का इफेक्ट कम हो जाएगा, प्लस चार्ज पे यहाँ ज़्यादा होगा, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी उससे थोड़ी बेटर होगी, इससे बेटर होगी सबसे कम आपका, इसलिए ऑर्डर होगा 3, 1, 2। सिमिलरली आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर देखिए फ्लोरीन का बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए कुछ 15 नंबर पे देखिए मैंने दिया है, ये फ्लोरीन है विथ CH2+, पर सेम एज वही जानिए कि फ्लोरीन के पास भाई वैलेंस शेल में तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, वो इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, या मतलब 7, 6 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। जब 3 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो जाहिर से बात ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे क्या है कि 2 साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, यहाँ 3 साइड से दे सकते हैं। अगर कार्बोकैटायन के पास डायरेक्टली वैसा आइटम अटैच्ड हो जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो जाहिर से बात है वो रेजोनेटिंग बना सकता है, इसलिए यहाँ रेजोनेटिंग देखिए 3 बार बनेंगे। सबसे स्टेबल कौन बन जाएगा, वो थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला। इसको 3 टाइम्स डबल बॉन्ड बनने का मौका मिलेगा, इसको 2 टाइम्स, इसको 1 टाइम, इसको रेजोनेंस अकॉर्डिंग हम इसकी स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखिए दिया हुआ है हमारे पास CH2F CH2 CH2+ CH2F2 CH2+ और CF3 CH2+। अब देखिए बड़ी प्रॉब्लम है, डायरेक्टली लिंकअप नहीं है, कार्बन से फ्लोरीन लिंकअप है। इसको आप ऐसे समझेंगे, देखिए अगर आप देखें इसको गौर से तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, आप ये मत समझना कि डायरेक्टली लिंकअप है। जैसे एक क्लोरीन है, कार्बन है, फिर यहाँ फ्लोरीन अटैच है एक, फिर यहाँ पे फ्लोरीन अटैच है एक, उसके बाद है देखिए यहाँ पे CH2+ है।
तो जाहिर से बात जो सी एस टू प्लस है ये डायरेक्टली फ्लोरिन से लिंकअप नहीं है, तो यहाँ पे मामला उल्टा हो जाएगा। यहाँ रेजोनेंस अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि हम यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लोरिन एटम ज़्यादा होंगे वहाँ माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ उल्टा होगा, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल जो वो थर्ड वाला हो जाएगा, सबसे स्टेबल फर्स्ट वाला, तो 1, 2, 3 इसका ऑर्डर होगा। यहाँ रेजोनेंस अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं करने की बजाय आप समझ सकते हैं बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली फ्लोरिन कार्बन से लिंकअप नहीं था। आई होप मैंने यहाँ तक आपका ये वीडियो, कि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, मैंने कोशिश की कि आपको बहुत सारे एग्जांपल बताए जाए रेजोनेंस के, ताकि आप बहुत गहराई से चीज़ों को समझ पाएँ। आप ज़रूर याद रखिए रूल को याद करना, उसको ऑर्डर पे अप्लाई करना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन नीट एग्जाम या आपका जेई मेंस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि विच वन इज़ अ मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, इसके बारे में पूछा जाता है। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आएगा। अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर इस पर कमेंट सेक्शन पर कमेंट करें और इसको आराम से पढ़ें, बहुत ईजी है। इसके बाद अगले वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा कि हैलोजन क्या रोल प्ले करता है जब उसके पास, अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद रेजोनेंस के पार्ट 3 में आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।